हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एक्चुअली मैं कल रात को ही न्यू कैसल से लंदन आई हूँ और अभी मैं हूँ हेज एंड हार्लिंगटन के स्टेशन पे। यहाँ आने से पहले ना मैंने ऑयस्टर परचेज़ किया और उसको टॉप अप करवाया है, क्योंकि अगर आपको कोई भी बस या फिर ट्रेन में ट्रैवल करना है तो आपके पास ऑयस्टर होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मैं आज जाने वाली थी टावर ब्रिज पे, तो यहाँ पे मेरे को दो ट्रेन्स को चेंज करना है और फिर कुछ मिनट्स की वॉक है, और मेरी ट्रेन आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और मुझे उतरना था वाटरलू के स्टेशन पे। जो यहाँ पर अभी लाइन हम जो फॉलो कर रहे थे ना, वो थी एलिजाबेथ लाइन और वो अभी न्यू बनी है यहाँ पे, तो ट्रेन वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी उसकी। ये देखो ये पागल। और मुझे लंदन में ना साइट सीइंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन लगा कि अगर मैं थेम्स रिवर से ही जाऊँ टावर ब्रिज तक, तो वहाँ जाकर वो मुझे देखना पड़ेगा अगर वो अवेलेबल होगा तो। एंड ये मेरा ऑयस्टर कार्ड है, लाइक ये बेसिकली यूज़ होता है जैसे हम मेट्रो कार्ड यूज़ करते हैं दिल्ली में। ये तो बिल्कुल ही मेट्रो वाली फील दे रही थी, बिल्कुल मेट्रो की तरह इंटीरियर लग रहा था मुझे। और सब कुछ डिस्प्ले था कि कौन से स्टेशन पे के लिए आपको कहाँ पर उतरना है और कैसे है, तो बस वही फॉलो किया हमने। यहाँ पे स्टेशन्स बहुत बड़े बड़े थे और वॉक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो देखना था नेक्स्ट लाइन के लिए हमें कहाँ जाना था। वहाँ से तो एलिजाबेथ लाइन ली थी, बट उसके बाद कौन सी लाइन लेनी थी। अंदर नेटवर्क्स नहीं थे तो सोचा बाहर वे आउट करते हैं पहले और उसके बाद डायरेक्शंस देखते हैं। फिर वे आउट किया और डायरेक्शंस ली, और ये यहाँ की सबसे बड़ी एक्सेलेटर्स हैं। इस लड़की को कुछ नहीं पता है कहाँ जाना है, पता नहीं है 6 साल से लंदन में क्या कर रही है। फिर एक और ट्रेन चेंज करनी पड़ी हमें नॉर्दर्न लाइन के लिए, तो यहाँ पे बस एक दो स्टेशन ही थे यहाँ पे। एंड अब हमें अभी थेम्स रिवर पे, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी क्यू है। अभी यहाँ पर 3 बजे और शायद मेरा नंबर अराउंड 4 बजे आएगा। एंड यहाँ पर टिकट्स के लिए कैश नहीं लेते हैं, और मेरे पास कोई कार्ड नहीं था बट मेरी फ्रेंड के पास था। तो अगर इन केस लाइक आप कभी भी विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास कार्ड होना चाहिए। इस टाइप की मशीन्स थी यहाँ पर लगी हुई, आप अपना कार्ड टैप कर सकते हैं यहाँ पे। ये थी लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं थी, किस्मत ख़राब मेरी, तो फ़िलहाल जो भी था उससे काम चलाया मैंने। यहाँ से टावर ब्रिज के लिए 10 पाउंड्स पे किए थे, विच इज़ अराउंड 1100 रुपीज़ इंडिया के। और जो चीज़ें आपने सिर्फ वीडियोज़ में देखी हों और सिर्फ सपने लिए हों ना कि वो चीज़ होगी, और वो रियलिटी में जब हो रही होती है तो बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है यार। इतना मज़ा आ रहा था मुझे, मैं छोटी छोटी चीज़ें इन्जॉय कर रही थी। वो शायद वर्ड्स में बताना बड़ा मुश्किल होता है जो चीज़ आप फील कर रहे होते हो। और वैसे भी ना मुझे बोट्स, क्रूज़ वगैरह से, मतलब पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं थोड़ी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी उसके लिए। और इसका भी अंदर का इंटीरियर काफ़ी अच्छा था। और बैठते ही नज़ारे स्टार्ट हो गए थे यार, सामने से लंदन आए दिख रहा था मुझे। मेरा प्लान था लंदन आएगा, अगर मेरे को टावर ब्रिज पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा और टाइम बचा तो मैं आज ये कवर कर लूँ, और अगर नहीं मिलेगा टाइम तो फिर नेक्स्ट डे का प्लान करना था उसका। तो बस जर्नी स्टार्ट हो गई थी, अराउंड 30 to 40 मिनट शायद हमें लगने वाले थे टावर ब्रिज पे पहुँचने के लिए। थेम्स रिवर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है यूके की, और फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है सेवरिन। ये 215 माइल्स लंबी है।
वैसे तो और भी क्रूज़ और बोट्स वगैरह हैं थेम्स रिवर में, लेकिन जो ये वाला क्रूज़ है वॉरशिप क्रूज़, ये पहले यूज़ किया जाता था रॉयल नेवी के लिए, लेकिन अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है वॉरशिप म्यूज़ियम में। और यहाँ पे और भी क्रूज़ थे, एक क्रूज़ यहाँ से क्रॉस कर रहा था तो ब्रिज ओपन था और मैं ब्रिज ओपन होते हुए देखना चाहती थी, तो वो चीज़ भी दिख गई मुझे। काफ़ी भूख लग रही थी तो सोचा क्यों ना पहले कुछ खा लें, तो फिर मैं सबवे चली गई थी एंड वहाँ पर मैंने लिया तंदूरी सब, क्यों वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और उसके बाद फिर हम निकल गए थे अपने टावर ब्रिज के लिए। टावर ब्रिज इज़ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ लंदन, और ये बना था 1886 से 1894 के बीच में, लेकिन ये ऑफिशियली ओपन हुआ था 30 जून 1894 में। ये ब्रिज 800 फीट लंबा है और दोनों टावर्स की हाइट 65 मीटर्स है। जब हम इस ब्रिज पे होते हैं, टावर ब्रिज पे, तो हमें बहुत पॉपुलर बिल्डिंग्स दिखती हैं, जैसे कि शार्ड, सिटी हॉल, फ्रेंचेसर स्ट्रीट। सिटी हॉल, फ्रेंचेसर स्ट्रीट, और रात को तो यार इसका व्यू बहुत ज़्यादा अलग होगा, बट मैं फ़िलहाल अभी मॉर्निंग के टाइम पे आई हूँ यहाँ पे। और जो शार्ड है यहाँ पर, उसमें बहुत फेमस ऑफिसेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं।
अब तो यार टाइम हो गया था अराउंड 5 और 6 के बीच में, तो लंदन है 6 बजे बंद हो जाता और मुझे यहाँ से वहाँ जाने में हाफ एन आवर लगने वाला था, तो सोचा क्यों ना जहाँ पर हैं वहीं के मज़े लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन था। तो कोस्टा पे बैठे, कॉफ़ी ली वहाँ पर, मुझे हॉट से ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी पसंद आती है, तो मैंने ब्राउनी चोको चिप ली और वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। बस वहाँ के व्यूज़ देखे, थोड़ा सा रेस्ट की। बस अब घर जाना था, लेकिन मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस यहीं बैठी रहूं, लेकिन बहुत सारी ऐसा लग रहा था एक ही दिन में मेमोरीज इकट्ठी कर ली हूं। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अगले व्लॉग में।